बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की क्लास में हम लोग यूनिट नंबर 15 का एक बड़ा ही इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं। वैसे तो टॉपिक का टाइटल है प्रेशर इक्वेशन, प्रेशर इक्वेशन और इस टॉपिक में हम लोग ये फॉर्मूला ड्राइव करने जा रहे हैं। इस टॉपिक में हम लोग ये फॉर्मूला ड्राइव करने जा रहे हैं। स्टूडेंट, ये फॉर्मूला है क्या, पहले ये समझ रहे हैं। देखिए, फर्ज कीजिए कि आपके पास एक क्यूबिकल बॉक्स है, क्यूबिकल बॉक्स जिसके 6 साइड्स होते हैं और हर साइड आपस में इक्वल होता है। ये आपके पास एक क्यूबिकल बॉक्स है, ये आपके पास एक क्यूबिकल बॉक्स है ये आपके पास एक क्यूबिकल बॉक्स है इसके टोटल 6 साइड्स हैं, हर साइड्स की लेंथ आपस में इक्वल है, इसलिए एक सिंगल साइड इसकी लेंथ आप L, कैपिटल L कंसीडर कर लीजिए। इस क्यूबिकल बॉक्स में एक सर्टेन गैस है, गैस के मॉलिक्यूल्स रेंडमली मोशंस के दौरान आपस में टकराते हैं और कंटेनर के वॉल से जाकर हिट करते हैं। हिट करने के दौरान वो फोर्स अप्लाई करता है कंटेनर के वॉल पे, फोर्स पर यूनिट एरिया को कहते हैं प्रेशर, तो वो प्रेशर जनरेट करता है। वो प्रेशर का फॉर्मूला हमने आज ड्राइव करना है और वो प्रेशर का फॉर्मूला जो है उसकी शक्ल ये है, पी इज इक्वल टू 1/3 रो वी स्क्वायर। इस फॉर्मूले में पी प्रेशर है, रो गैस की डेंसिटी है और V ये एवरेज वेलोसिटी ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स है, राइट। तो स्टूडेंट्स, ऑब्जेक्ट क्लियर? ओके। अच्छा, हमें प्रेशर का फॉर्मूला ड्राइव करना है। प्रेशर होता है फोर्स पर यूनिट एरिया, प्रेशर होता है फोर्स पर यूनिट एरिया, यानी प्रेशर निकालने के लिए दो चीजें चाहिए, एक फोर्स चाहिए और एक एरिया चाहिए, ऐसा ही है। तो सबसे पहले हम लोग फोर्स कैलकुलेट करेंगे। हेडिंग हमने डाल दी फॉर एफ, फॉर एफ, फर्स्ट ईयर में आप लोगों ने फोर्स मालूम करने का एक फॉर्मूला आपने पढ़ा, वो फॉर्मूला कुछ ये था। मैंने कहा एज वी नो दैट, एज वी नो दैट एफ इक्वल था चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम ओवर टाइम। सिंबल्स की फॉर्म में आप लोगों ने ऐसे लिखा था, डेल्टा पी ओवर टी, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। ये फॉर्मूला आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में पढ़ा था मोमेंटम इंपल्स के टॉपिक में, ये आया कैसे मैं हल्का सा आपको रिपीट करूं। अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन एफ इज इक्वल टू एम ए, सही है। ए की जगह आप क्या लिख सकते हो, वी एफ माइनस वी आई ओवर टी, ब्रैकेट ओपन एम वी एफ माइनस एम वी आई ओवर टी, मास इनटू वेलोसिटी मोमेंटम, वेलोसिटी फाइनल है तो फाइनल मोमेंटम, मोमेंटम को पी से लिखते हैं, इनिशियल वेलोसिटी है तो इनिशियल मोमेंटम, दिस इज टाइम। तो ये बन गया चेंज इन मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, ये है चेंज इन मोमेंटम और नीचे ये है टाइम टी, ये है फॉर्मूला, राइट। तो स्टूडेंट्स,
फोर्स निकालने के लिए हमें दो चीजें रिक्वायर्ड है, एक चेंज इन मोमेंटम और दूसरा टाइम, ऐसा ही है? तो पहले चेंज इन मोमेंटम निकालते हैं। अज्यूम करते हैं कि सिलेंडर इस बॉक्स के अंदर एक सर्टेन गैस है, गैस के बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं, हर मॉलिक्यूल्स का बिहेवियर एक जैसा होता है, तो किसी एक को कंसीडर करते हैं। फर्ज कीजिए वो ये है, मास इसका एम है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है, ये मॉलिक्यूल मूव कर रहा है अलोंग एक्स एक्सिस, वेलोसिटी वी, एक्स पे मूव कर रहा है तो वी एक्स, ठीक। यानी आपने सपोज किया कि यू हैव नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन द क्यूबिकल बॉक्स एंड द बिहेवियर ऑफ ईच मॉलिक्यूल आर सेम, यू विल कंसीडर अ सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ मास एम विच इज मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस विद वी एक्स वेलोसिटी। ये हमारी अजम्पशन है, क्लियर? तो देखिएगा, when a molecule moves along positive x axis, ये जो molecule हमने suppose किया है ये move कर रहा है along x axis, तो momentum को लिखा p, positive पे move कर रहा है तो positive लिखा, equal मोमेंटम होता है मास इनटू वेलोसिटी, मास इज एम, वेलोसिटी इज वी एक्स, मास इज एम, वेलोसिटी इज वी एक्स, सही है? ये इनिशियल मोमेंटम है। फिर क्या होगा, ये मॉलिक्यूल आएगा कंटेनर के वॉल पे हिट करेगा, बाउंस बैक होगा, यानी डायरेक्शन हो गई चेंज। मैंने लिखा फॉर नेगेटिव एक्स एक्सिस, फॉर नेगेटिव x-axis, p momentum for negative x-axis, जब बाउंस बैक होगा तो मॉलिक्यूल के मास में कोई तब्दीली नहीं होगी, मास तो एज इट इज रहेगा। जब हिट करेगा, हिट करके वापस आएगा तो एनर्जी तो प्रैक्टिकली चेंज होगी, लेकिन काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी कहता है कि गैस का मॉलिक्यूल जब कोलिजन करता है तो उसकी कोलिजन परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन होती है, उसकी कोलिजन परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन होती है, मतलब एनर्जी लॉस नहीं होता, एनर्जी लॉस नहीं होगी तो वेलोसिटी चेंज नहीं होगा। मॉलिक्यूल गया, बाउंस बैक हुआ, लेकिन एनर्जी में तब्दीली नहीं, यानी वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं, वेलोसिटी इज सेम, अलबत्ता डायरेक्शन तो चेंज हुई है, पहले पॉजिटिव एक्स अब नेगेटिव एक्स, तो ये मैंने कर दिया नेगेटिव, राइट? अब दो मोमेंटम आ गया, फाइनल इनिशियल, अब चेंज इन मोमेंटम निकाल लीजिए। नाउ चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम कैन बी डिटरमाइंड एज, कैन बी डिटरमाइंड एज, सही? अब सुनिए, चेंज मोमेंटम निकालने जा रहे हैं, चेंज इन मोमेंटम निकालने जा रहे हैं, डेल्टा पी, डेल्टा पी, सही? अच्छा जी, नॉर्मली चेंज निकालने के लिए हम क्या करते हैं, फाइनल में से इनिशियल माइनस कर देते हैं, लेकिन ऐसा कोई रूल नहीं है। आप शॉपिंग करने गए 10,000 रुपीज लेकर, जब वापस आए तो आप वापस लेकर आए ओनली 2,000 रुपीज, मैं पूछूंगा आपने शॉपिंग कितनी की, तो आप बोलोगे 8,000 रुपीज, तो आपने किसमें से किसको माइनस किया, आपने इनिशियल में से फाइनल माइनस किया, 10 में से 2 माइनस किया, तभी तो 8 आया। तो चेंज निकालने के लिए कोई रूल नहीं है कि फाइनल में से इनिशियल करेंगे, इनिशियल में से फाइनल भी हो सकता है, ये डिपेंड करता है कि
कि आपकी नीड्स क्या है, फिजिकल क्वांटिटी की कंडीशंस क्या है। हम लोग निकाल रहे हैं चेंज इन मोमेंटम। मोमेंटम हमेशा पॉजिटिव होता है, मोमेंटम नेवर बी नेगेटिव। तो चेंज इन मोमेंटम निकालते वक्त आप इस बात की कोशिश करेंगे कि मोमेंटम प्लस में ही आए। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, पॉजिटिव मोमेंटम में से नेगेटिव मोमेंटम को माइनस कर देंगे, यानी इनिशियल में से फाइनल माइनस किया। तो ये हो गया डेल्टा पी इज इक्वल टू एम वी एक्स माइनस, इसकी वैल्यू है माइनस एम वी एक्स। ये हो गया डेल्टा पी एम वी एक्स माइनस माइनस प्लस एम वी एक्स। तो डेल्टा पी आ गया आपके पास 2mvx, ये डेल्टा पी की वैल्यू है, राइट। चले चेंज मोमेंटम आ गया, अब क्या चाहिए, टाइम। टाइम निकालने के लिए भी वही अजम्पशन लें जो आपने यहां इस्तेमाल किया, जो आपने चेंज मोमेंटम निकालने के लिए किया। मॉलिक्यूल गया है, वापस आया है, कितना टाइम लगा देखिएगा। आपने कहा 40 हेयर, मॉलिक्यूल एक साइड से दूसरी साइड गया पहले पॉजिटिव एक्स पे, डिस्टेंस कितना कवर करेगा, जितनी साइड की लेंथ होगी, एग्री। मॉलिक्यूल बॉक्स के एक साइड से मूव करते हुए पॉजिटिवली दूसरी साइड तक गया, डिस्टेंस कितना कवर करेगा, जितनी साइड की लेंथ होगी, और साइड की लेंथ कितनी है, एल। फिर बाउंस बैक हुआ, वहां से वापस आया फॉर नेगेटिव डायरेक्शन, फिर डिस्टेंस कितना कवर करेगा, सेम, यानी टोटल डिस्टेंस कितना कवर हो रहा है, 2L। एक साइड से दूसरी साइड तक जाने में डिस्टेंस कवर किया L, वापिस आया तो डिस्टेंस कितना कवर किया, L। तो टोटल डिस्टेंस कवर हुआ 2L। आप टाइम कंज्यूम कीजिए, यानी सपोज कीजिए स्मॉल t, और वेलोसिटी तो हम लोग ले रहे हैं क्योंकि वेलोसिटी में कोई तब्दीली हो नहीं रही है, तो वेलोसिटी इज वी एक्स, सही, क्योंकि लॉन्ग एक्स एक्सिस मूव कर रहा था। तो मैंने कहा एज वी नो दैट वी बराबर होता है एस ओवर टी, तो v की जगह वी एक्स लिखा, s की जगह 2l लिखा, टाइम की जगह t लिखा, t इधर लाइए, वी एक्स इधर लाइए, तो t इज इक्वल टू 2l ओवर वी एक्स। ये तो t की वैल्यू निकल आई, इसमें t भी निकल आया और वी एक्स भी निकल आया, है ना, t भी और डेल्टा p। अब इन दोनों की वैल्यू को इक्वेशन वन में पुट कीजिए, क्योंकि हमने इसी के लिए तो निकाला है, तो देखिएगा क्या होगा, पुट इन इक्वेशन वन, इसे इक्वेशन वन में पुट किया, एफ इज इक्वल टू डेल्टा पी 2mvx टी 2L ओवर वी एक्स। मॉलिक्यूल किधर मूव कर रहा था, x एक्सिस पे, तो फोर्स भी किस एक्सिस की निकल रही होगी, x की, तो यहां पर आपने ये x यूज कर लिया, क्लियर। 2 से 2 कैंसिल, ये वी एक्स सॉल्व हो गया ऊपर, तो एफ एक्स इज इक्वल टू एम वी एक्स स्क्वायर ओवर एल, ये रह गया, ये रह गया, ठीक है। अच्छा, ये तो एक सिंगल मॉलिक्यूल का फोर्स आया, वो भी एक्स कॉम्पोनेंट का, ऐसा ही है। इस बॉक्स के अंदर गैस के कितने मॉलिक्यूल्स हैं, बहुत सारे, अज्यूम कीजिए एन मॉलिक्यूल्स हैं,
कितने हैं एन, कितने हैं एन। गैस के हर मॉलिक्यूल्स का बिहेवियर एक जैसा होता है, तो एक्स एक्सिस वाली फोर्स भी सबके लिए सेम होगी। तो अगर मैं सारे मॉलिक्यूल्स यानी एन मॉलिक्यूल्स के लिए फोर्स निकालूं तो क्या रिजल्ट होगा, देखिएगा, फोर्स फोर्स फॉर एन मॉलिक्यूल्स, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, देखिएगा, एफ एक्स इज इक्वल टू, अब इसको मैं ऐसे लिख लूं, एफ वन एक्स प्लस एफ टू एक्स प्लस एफ थ्री एक्स एंड सो ऑन, हम ये लिख सकते हैं एफ एन एक्स, ऐसे ही होगा, ठीक है। अच्छा जी, अब अगर हम इनकी वैल्यूज पुट करें तो देखिएगा जरा, एफ एक्स इज इक्वल टू, एफ एक्स इज इक्वल टू एफ वन एक्स, ये एफ एक्स का फॉर्मूला है, एम कॉन्स्टेंट, मॉलिक्यूल का मास कॉन्स्टेंट होगा, एल कॉन्स्टेंट, ठीक है। अगर ये एफ वन एक्स है तो ये क्या हो जाएगा, वी वन एक्स, ये एफ टू एक्स तो ये वी टू एक्स, यानी आपने इसको ऐसे लिखा, एम वी वन एक्स स्क्वायर ओवर एल प्लस एम वी टू स्क्वायर एक्स ओवर एल, इस तरह ये जाएगा कहां तक, ये जाएगा एन तक, वी एन स्क्वायर ओवर एल, राइट, ठीक है स्टूडेंट्स, सही है। अब अगर मैं इसमें से कॉमन निकालूं तो m और l कॉमन, यहां से ये बच गया v1x ये स्क्वायर प्लस v2x ये स्क्वायर एंड सो ऑन, प्लस यहां से बच जाएगा vnx ये होल स्क्वायर, ऐसे ही स्टूडेंट, क्लियर है, ओके। अब देखिएगा, अगर मैं इन सबको ऐड करूं तो ये सब किसके बराबर होगा, ये सब बराबर होगा एन वी एक्स स्क्वायर के, देखिएगा समझिएगा कैसे, एक मॉलिक्यूल का एक्स एक्सिस की वेलोसिटी कितनी है, वी एक्स ऐसा ही है। टू मॉलिक्यूल का फोर्स कितना होगा, टू, थ्री का कितना होगा, थ्री, तो एन का कितना होगा, तो एन से आप इसको मल्टीप्लाई कर दोगे, और चूंकि वेलोसिटी पे स्क्वायर चल रहा है तो ये स्क्वायर, ठीक है। फिर सुनिए, एक मॉलिक्यूल के लिए, इधर देखिएगा, ये सिंगल मॉलिक्यूल के लिए वेलोसिटी कितनी है, वी एक्स स्क्वायर एक के लिए, वी एक्स स्क्वायर एक के लिए, दो मॉलिक्यूल के लिए कितना होगा, टू से मल्टीप्लाई, थ्री के लिए कितना होगा, थ्री से मल्टीप्लाई, एन के लिए कितना होगा, एन से मल्टीप्लाई, तो ये तो एन मॉलिक्यूल की फोर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो उसकी जगह लिखा है एन वी एक्स स्क्वायर, क्लियर, ठीक है। अच्छा जी, तो ये आ गया आपके पास, एफ एक्स इज इक्वल टू एम एन वी एक्स स्क्वायर ओवर एल, क्लियर स्टूडेंट्स, ओके। अच्छा जी, अब देखिएगा कि प्रेशर क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया, प्रेशर क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया, हमने क्यूबिकल बॉक्स में रखा है, क्यूबिकल बॉक्स की शेप कैसी होती है, स्क्वायर टाइप का, स्क्वायर का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, एन एरिया बराबर हो गया लेंथ इनटू ब्रेथ, यानी एल स्क्वायर, इस क्यूबिकल बॉक्स का लेंथ भी एल है
ब्रेड भी एल है, हर साइड बराबर है, क्यूबिकल बॉक्स है, तो एरिया कितना होगा एल इंटू एल, एल स्क्वायर, दिस इज एल स्क्वायर। पुट कर दीजिए प्रेशर के फॉर्मूले में, पुट द वैल्यू ऑफ, पुट द वैल्यू ऑफ एफ एक्स एंड ए इन प्रेशर डेफिनेशन फॉर्मूला, प्रेशर डेफिनेशन फॉर्मूला, P इज इक्वल टू एफ ओवर ए, P इज इक्वल टू एफ ओवर ए, ये प्रेशर का फॉर्मूला भी है, ये प्रेशर की डेफिनेशन भी है, x एक्सिस के लिए यूज कर रहे हैं, ये x के लिए कर दिया, सही है। आप वैल्यू पुट कीजिए एफ एक्स की जगह m n v x स्क्वायर ओवर l डिवाइडेड बाय एरिया 6l स्क्वायर, सॉरी l स्क्वायर, राइट। इसको आप ऐसे लिख लीजिए m n v x स्क्वायर ओवर l, ये डिवीजन में, डिवीजन में इसको ऐसे लिखा वन ओवर एल स्क्वायर, क्लियर। अब ये क्या होगा, P इज इक्वल टू एम एन वी एक्स स्क्वायर ओवर एल इंटू एल स्क्वायर एल क्यूब, क्लियर। और ये एल क्यूब किसके बराबर होगा, एल क्यूब बराबर होगा वॉल्यूम के, वॉल्यूम इक्वल होता है लेंथ इंटू हाइट इंटू ब्रेथ, लेंथ इंटू हाइट इंटू ब्रेथ, यही है ना। तो क्यूबिकल बॉक्स है, हर साइड बराबर है, लेंथ एल है, हाइट एल है, ब्रेथ एल है, तो वॉल्यूम लेंथ इंटू हाइट इंटू ब्रेथ एल 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 क्यूब, क्लियर, ठीक है। पुट कीजिए इसको यहां पर, यहां पर पुट करते हैं, P इज इक्वल टू एम एन वी एक्स स्क्वायर, एम एन वी एक्स स्क्वायर ओवर V, दिस इज वॉल्यूम, क्लियर स्टूडेंट, ओके। शायद ये दिख नहीं रहा है, P इज इक्वल टू एम एन वी एक्स स्क्वायर ओवर V, सही है। अब ठीक है, ये एल क्यूब की जगह वॉल्यूम लिखा, ठीक है, ओके। अब जरा गौर कीजिएगा, क्यूबिकल बॉक्स में एक सर्टेन गैस है, कंप्लीट गैस है, गैस के कितने मॉलिक्यूल्स हैं, एन मॉलिक्यूल्स हैं, एन स्मॉल एन, एक मॉलिक्यूल का मास कितना है स्मॉल एम, एक का मास कितना स्मॉल एम, टू मॉलिक्यूल का मास कितना होगा टू एम, थ्री मॉलिक्यूल का मास कितना होगा थ्री एम, एन मॉलिक्यूल का मास कितना होगा एन एम। तो ये जो एन एम है, एन एम है, दिस रिप्रेजेंट्स मास ऑफ द गैस, फिर सुनिए, सिंगल मॉलिक्यूल का मास m, तो टू मॉलिक्यूल का मास 2m, 3 का 3m, n मॉलिक्यूल्स हैं तो मास कितना हो गया nm, कितना हो गया nm। तो nm रिप्रेजेंट्स मास ऑफ द गैस, वेयर nm रिप्रेजेंट्स मास ऑफ द गैस, nm रिप्रेजेंट मास ऑफ द गैस, मास ऑफ द गैस पर यूनिट वॉल्यूम, मास ऑफ द गैस पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड डेंसिटी ऑफ द गैस, मास ऑफ द गैस पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड डेंसिटी ऑफ द गैस, और डेंसिटी को डिनोट करते हम लोग रॉ से। तो अब इसकी शक्ल ये हो गई, देखिएगा एन एम ओवर वी, इसकी जगह आपने लिखा
rho v x square. This is equation number 2. यहां तक स्टूडेंट क्लियर है बिल्कुल? ओके स्टूडेंट, फर्स्ट ईयर फिजिक्स में वेक्टर के चैप्टर में आपने पढ़ा एक वेक्टर के कितने कंपोनेंट हो सकते हैं? 3, एक्स वाई और जेड। और वेक्टर का मैग्नीट्यूड मालूम करने का फॉर्मूला क्या होता है वो आपने ये पढ़ा। इधर देखिएगा, जैसे वेलोसिटी इज द वेक्टर, वी इज इक्वल टू वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर प्लस वी जेड स्क्वायर। सही है, वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर प्लस वी जेड स्क्वायर ये इक्वल होता है किसके? वी स्क्वायर के। वो हमने लिखा। अच्छा, ये जो वेलोसिटी है ना, अब इस फॉर्मूले को इस गैस पर अप्लाई कीजिए। तो जो हम लोग गैस की वेलोसिटी यूज करते हैं ना, वो यूज करते हैं एवरेज। तो ये भी एवरेज, ये भी एवरेज, ये भी एवरेज, ये भी एवरेज। एवरेज के लिए हम लोग बार इस्तेमाल करते हैं, राइट? चलिए, ये पॉइंट हो गया। अब सुनिए, अगर आइडियल गैस है, फॉर एन आइडियल गैस, आइडियल सिचुएशन में याद रखिएगा वेलोसिटी का एक्स वाई और जेड कंपोनेंट ये तीनों आपस में बराबर होता है। इन आइडियल गैस, इन आइडियल सिचुएशन ऑफ द गैस, वी एक्स इज इक्वल टू वी वाई इज इक्वल टू वी जेड। यानी आप लिख सकते हो हेयर फॉर आइडियल गैस दिख रहा है आपको, फॉर आइडियल गैस वी एक्स बराबर होगा वी वाई बराबर होगा वी जेड के। तो जरा पुट कीजिए यहां पर, वी स्क्वायर इज इक्वल टू वी एक्स स्क्वायर, इसकी जगह भी वी एक्स स्क्वायर, इसकी जगह भी वी एक्स स्क्वायर, तीनों बराबर था तो तीनों की जगह सेम वैल्यू लिख दी वी एक्स। तो ये हो गया वी स्क्वायर 3 वी एक्स स्क्वायर। तो वी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1/3 वी स्क्वायर। ये 3 मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड हो गया, तो 1/3 वी स्क्वायर इज इक्वल टू वी एक्स स्क्वायर। इस वी एक्स स्क्वायर की वैल्यू को इक्वेशन 2 में पुट कीजिए, पुट इन इक्वेशन 2। तो P इज इक्वल टू रो एज इट इज, वी एक्स स्क्वायर की जगह 1/3 वी एक्स स्क्वायर ये बार के साथ इसे अरेंज करके लिखा तो ये हो गया 1/3 रो वी एक्स स्क्वायर। ये आ गया गैस का प्रेशर मालूम करने का फॉर्मूला, राइट? ये है गैस का प्रेशर का फॉर्मूला। स्टूडेंट्स, ये इस यूनिट का यानी यूनिट नंबर 15 का सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट था। मैं एक हल्का सा रिव्यू फिर दूं आपको। ऑब्जेक्ट ये था कि यू हैव अ क्यूबिकल बॉक्स इन विच यू हैव नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ अ सर्टेन गैस एंड यू हैव टू ड्राइव फॉर्मूला फॉर द प्रेशर, राइट? वो प्रेशर का फॉर्मूला ये था, ये ड्राइव करना था। आपने एक क्यूबिकल बॉक्स सपोज किया, उस क्यूबिकल बॉक्स की हर साइड बराबर थी, आपने एक साइड की लेंथ एल ली तो बाय डिफॉल्ट हर साइड की लेंथ एल हो गई। प्रेशर का फॉर्मूला ड्राइव करना था, प्रेशर बराबर था फोर्स पर यूनिट एरिया, फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर। तो आपने पहले फोर्स कैलकुलेट करना शुरू किया, पहले फोर्स का फॉर्मूला चेंज मोमेंटम ओवर टाइम, चेंज मोमेंटम के लिए आपने ये एजम्पशन सपोज किया, पहले पॉजिटिव एक्स एक्सिस का मोमेंटम, फिर नेगेटिव एक्स एक्सिस का मोमेंटम, फिर चेंज इन मोमेंटम, इस तरह ये डेल्टा पी आ गया, ये डेल्टा पी आ गया। फिर आपने टाइम निकाला सेम एजम्पशन से,
मॉलिक्यूल मूव कर रहा था बॉक्स के एक साइड से दूसरी साइड की तरफ, डिस्टेंस कितना कवर करेगा, जितनी साइड की लेंथ होगी यानी एल, तो जाने में डिस्टेंस कवर किया एल, वापस आने में डिस्टेंस कवर किया एल, टोटल डिस्टेंस कितना हो गया 2L, डिस्टेंस 2L, टाइम t, वेलोसिटी vx, इस v इज इक्वल टू s ओवर t में पुट करके टाइम निकाला, फिर इन दोनों की वैल्यू इसमें पुट कर दी, सॉल्व किया, ये रिजल्ट आया। ये तो एक मॉलिक्यूल का था ना, n मॉलिक्यूल के लिए आपने ये लिखा, फिर आपने सबकी वैल्यू पुट की, मास और लेंथ तो कांस्टेंट था, वेलोसिटी चेंज हो रही थी, सही है। अच्छा जी, फिर आपने इन सब में से कॉमन निकाला m ओवर l, ये रह गया। अगर ये आपको दिख नहीं रहा है तो ये ध्यान पर रखिएगा कि यही फॉर्मूला है एम वी एक्स स्क्वायर ओवर एल, एफ वन एक्स निकालने के लिए बस वी वन किया, एफ टू एक्स के लिए वी टू किया, एफ थ्री के लिए वी थ्री किया, एंड सो ऑन। एम ओवर एल कॉमन, ये शक्ल आई, ये सब बराबर था एन वी एक्स स्क्वायर के, ये शक्ल आ गई एफ एक्स। एरिया निकाला, एरिया का फॉर्मूला होता है लेंथ इनटू ब्रेथ, लेंथ एल है ब्रेथ भी एल है तो एरिया हो जाएगा एल स्क्वायर, फिर दोनों की वैल्यूज के अंदर पुट कर दी, सॉल्व किया, ये एल क्यूब आया, एल क्यूब की जगह वी लिखा, वी एन एम रिप्रेजेंट कर रहा था मास ऑफ द गैस, मास ऑफ द गैस पर यूनिट वॉल्यूम, डेंसिटी ये डेंसिटी, ये वेलोसिटी मालूम करने का फॉर्मूला है इन फॉर्म ऑफ वेक्टर, v स्क्वायर बराबर होता है vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर प्लस vz स्क्वायर, आइडियल गैस के लिए vx vy vz आपस में बराबर होता है, ये बराबर लिया, तीनों की वैल्यू पुट की, 3vx स्क्वायर हुआ, यहां से vx स्क्वायर निकाला, ये मल्टीप्लाई दरा के डिवाइड, तो 1 ओवर 3 v स्क्वायर बराबर हो गया vx स्क्वायर, ये vx स्क्वायर यहां पुट कर दिया, अरेंज कर लिया, ये आ गया। ठीक तो स्टूडेंट्स, इस टॉपिक को आप पे कोई कंफ्यूजन हो तो दोबारा रिव्यू लीजिए, यानी पूरा लेक्चर दोबारा देखिए। रिकॉर्डेड फॉर्म का फायदा यही है कि आप नंबर ऑफ टाइम्स लेक्चर को देख सकते हैं, समझ सकते हैं, जहां जहां प्रॉब्लम आए उसको कॉपी पर पॉइंट टू पॉइंट नोट कर लीजिए, पॉइंट टू पॉइंट नोट कर लीजिए, लाइव सेशन में आप वो पॉइंट टू पॉइंट फिर आप उससे डिस्कस कीजिएगा, राइट। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अस्सलामु अलैकुम।